हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में प्रैक्टिस सेट पेपर 3 के अंदर झारखंड संबंधित ज्ञान को। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज ही आपका पार्ट 1 भी जो है वो अपलोड हुआ है। साथ ही साथ इसमें हम लोग जितने ही प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं ना, टोटल का टोटल चारों पार्ट जो है वो आपका आज का आज ही अपलोड हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारा का सारा PDF जो है वो मिलेगा, जिसमें आप बहुत आसानी से सारे प्रैक्टिस सेट को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बिना लड़के हम लोग आते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो है आपका कि तस्तरी नुमा वर्वे का मैदान झारखंड के डैश हिस्से में है, बताइए किस हिस्से में है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं तस्तरी नुमा वर्वे मैदान का, तो ये आपका झारखंड के निचला हजारीबाग में स्थित है। कहाँ है? झारखंड के निचला हजारीबाग में स्थित है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, बताइए कहाँ पाई जाती है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी जो है ना वो आपका पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क निम्न में से किस जिले में स्थित है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जी हाँ, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा आप कि ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका रांची में स्थित है, याद रखिएगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, जो है आपका कि JREDA के संदर्भ में सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन इसमें ऐसा है जो आपका सही नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग JEDRA की बात करते हैं यानी कि JREDA की, तो देखिए इसके संदर्भ में क्या है कि झारखंड राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के विकास को प्रोत्साहित हेतु वर्ष 2001 में गठन किया गया था, याद रखिएगा ना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन ए, यहाँ पे अनवीकरणीय दिया हुआ, जबकि ये नवीकरणीय के लिए था, है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड राज्य किस वर्ष गंभीर सूखे से प्रभावित रहा। तो जी हाँ, अगर हमसे प्रभावित रहे की बात करते हैं तो आ जाइए वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में झारखंड राज्य जो है आपका गंभीर सूखे से प्रभावित था। वहीं इस दौरान राज्य के 24 जिलों में से 12 जिले जो है ना वो आपके गंभीर सूखे की प्रकोप से प्रभावित है। वहीं इन सभी जिलों में वर्षा का अनुपात जो था ना वो आपका मात्र 50% था। ये भी आपको याद रखना है कि 2010 में वर्षा का अनुपात कितना था, तो वो था आपका 50%। कितने जिले इसे ग्रसित थे, तो वो थे आपके 12 जिले ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में किस स्थान पे लाफार्ड सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के स्पष्टी पर आधारित सीमेंट संयंत्र है, बताइए। तो जी हाँ, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपका झारखंड के झिंग पानी एवं जमशेदपुर का लाफार्ड सीमेंट कारखाना लोह इस्पात उद्योग से अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झिंग पानी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियन रीफ फैक्ट्री लिमिटेड झारखंड राज्य के किस स्थान पर है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आपका एशियन रीफ फैक्ट्री लिमिटेड जो है ना वो आपका झारखंड के बोकारो में स्थित है। कहाँ है? तो जी हाँ, वो आपका झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि रेशम उत्पाद की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र राज्य में प्रथम स्थान पर है। तो जी हाँ, अगर हम लोग रेशम उत्पाद की दृष्टि से देखते हैं तो प्रथम स्थान पे आपका जो है ना वो आपका सिंहभूम है। कौन सा स्थान है? तो जी हाँ, वो आपका सिंहभूम है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए, अगर वहीं प्रतिशत की बात करते हैं तो ये आपका 40% है। दूसरे स्थान पे आपका संथाल परगना क्षेत्र है, जो आपका 26% है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड राज्य में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई। तो जी हाँ, अगर हम लोग दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की बात करते हैं तो याद रखिए कि झारखंड राज्य में सर्वप्रथम रांची में 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 सितंबर 1984 में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना जो है वो की गई थी। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, वो है आपका 6वीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र से संबंधित जिला, बताइए कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें याद रखिएगा आपकी बराकर नदी पर बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, जिसे 20 MW कहते हैं, का संबंध जो है वो आपका गिरिडीह जिले से है। किस जिले से है? गिरिडीह जिले से, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत
राज्य सरकार प्रति वर्ष वर्तमान में कितनी छात्रवृत्ति की राशि देती है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें तो याद रखिएगा कि जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्तमान में प्रति वर्ष जो है ना वो आपका छात्रों को 16 करोड़ रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। इस योजना के तहत क्या होता है कि प्रति वर्ष राज्य से अधिकतम 25 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भी भेजा जाता है, याद रखिएगा ना। दैट मीन्स कितना करोड़ इसका हो जाएगा, तो वह है आपका 16 करोड़ रुपए ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंख योजना किस वर्ष लाई गई, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग पंख योजना की बात करते हैं ना, तो याद रखिए कि पंख योजना जो है ना वो आपका 6 दिसंबर 2017 को लाई गई थी, जिसका उद्देश्य जो था वो आपका शहरी मलिन बस्तियों में बच्चों को विद्यालय से जोड़ना था ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका 2017। संपूर्ण बोले तो 6 दिसंबर 2017 ना। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो क्या था इसका उद्देश्य, कि मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम की राशि का कितना प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। तो जी हाँ, अगर इसमें आप याद रखिएगा तो 2021 में शुरू हुई पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के पत्रकारों में 5 लाख रुपए तक का बीमा लाभ जो है वो प्रदान किया जाएगा, और इस बीमा प्रीमियम की राशि जो है वो आपका 80% राज्य सरकार वहन करेगी। कितना प्रतिशत? 80% राज्य सरकार वहन करेगी, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि झारखंड हाईकोर्ट ने किस जिले में अफीम की खेती को गंभीरता से लेते हुए उसका संज्ञान लिया है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वो है आपका खूंटी। कौन सा जिला है? तो वो है आपका खूंटी जिला ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को किस दवाई को सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है, बताइए। कौन सा दवाई है? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग दवाई की बात करते हैं तो याद रखिएगा वो दवाई है आपका एंटीवेनम। कौन सा दवाई है? एंटीवेनम दवाई है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि झारखंड की खिलाड़ी आशा किरण बारला के संदर्भ में सही नहीं है, बताइए। कौन सा कथन इसमें है जो आपका सही नहीं है? तो देखिए, अगर सही नहीं है कि कथन की बात करते हैं, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये राज्य के कामडारा ब्लॉक सिमडेगा की निवासी है। तो जी नहीं, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो झारखंड के कामडारा ब्लॉक गुमला की निवासी लगातार कई खेलों में पदक जीत रही है ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि झारखंड पंचायती राज संशोधन अध्यादेश किस वर्ष लाया गया। तो जी हाँ, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपका झारखंड पंचायती राज संशोधन अध्यादेश जो है वो आपका 2021 का विस्तार नगर पालिका छोड़कर पूरे झारखंड राज्य में होगा, याद रखिएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका 2021 ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से किस जनजाति में मुआ पूजा का सर्वाधिक महत्व है, बताइए। मुआ पूजा की बात हो तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि आदिम जनजाति परहिया, जिसका संकेंद्रीय मूलतः पलामू परमंडल है, इस जनजाति में मुआ पूजा जिसे पूर्वजों की पूजा कहते हैं का सर्वाधिक महत्व है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका परहिया ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मिलान करें। अभी तक एक भी मिलान करने वाला क्वेश्चन नहीं आया था ना। तो देखिए, अगर हम लोग मिलान करने वाले में बात करते हैं तो देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले देखिए तिलका मांझी। तिलका मांझी का उपनाम क्या था? तो वो थे आपके आदिम विरोधी। कौन थे? आदिम विरोधी भी इनको कहा जाता था। वही नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव, इनको किस नाम से जाना था? तो जी हाँ, वो था आपका नेचुरल लीडर। इनको क्या बोलते थे? नेचुरल लीडर बोलते थे। वहीं राम विनोद सिंह को क्या बोलते थे? तो राम विनोद सिंह को बोलते थे हजारीबाग का जतिन बाघा। क्या बोलते थे? हजारीबाग का जतिन बाघा। वहीं बसंत कुमार तिर्की को क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, बसंत कुमार तिर्की का हो जाएगा आपका चाचा ना। इस तरह से आ जाइए कूट पे, तो कूट के अनुसार देखिए यहाँ आपके पास क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली झारखंड संबंधित ज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग
सामान्य अध्ययन, उसके बाद सामान्य विज्ञान और फिर सामान्य कंप्यूटर को ही स्टडी करने वाले हैं। टोटल पार्ट को आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। आज टोटल पार्ट जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 3 से अपलोड हो जाएगा। मैक्सिमम चांस ये भी रहेगा कि आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 4 भी जो है वो मैं आपको आज ही कराने का कोशिश करूँ, क्योंकि अगर एक दिन में अगर आप 2 से 3 सेट को कम्प्लीट नहीं करते हैं तो आपका कम्प्लीट नहीं होने वाला है। मेरा बीच में तबीयत भी खराब हो गया था जिसके कारण मैं आपको जो है कंटिन्यू वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन आज से जो है वो आपका कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा। कम से कम तो एक सेट तो मैं आपको पर डे ही देने वाली हूँ, जिसमें आपका माफ कीजिएगा रीजनिंग और मैथ तो नहीं अपलोड हो पा रहा है, लेकिन हाँ मैं रीजनिंग और मैथ के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ताकि अगर मैं आपको 4-5 दिन भी अगर आपको रीजनिंग और मैथ बता दूँ ना तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइए। क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहेगा ना तो यकीन मानिए रीजनिंग और मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में कोई भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, आपको एनी हाउ रटना ही होता है। इसलिए आपका मैं बहुत ही ऑथेंटिक पब्लिकेशन के बुक से आपको जो है प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जो है आपका उड़ान पब्लिकेशन का बुक, ठीक है। उड़ान पब्लिकेशन की बुक से मैं आपको सारा प्रैक्टिस सेट पेपर करा रही हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।